नमस्कार मित्रों, आज हम लोग लोट लकार पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के लकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उस सब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप लोग बारी बारी से सभी को देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं लोट लकार, जिसे आज्ञा या अनुज्ञा कहते हैं। तो इसका पहचान क्या होता है? यह आदिसार्थक वाक्य होता है। आदिसार्थक मतलब क्या? या तो हम किसी को आदेश देंगे, जैसे तुम पढ़ो, तुम बैठो, तुम खाओ, या किसी से हम आदेश मांगेंगे, जैसे मैं घर जाऊं, इस तरह का वाक्य बनेगा। इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है तू ताम अंतु अ तम त। यहाँ पर देख रहे हैं अ के साथ ही है, तो कभी कभी अ होता है और ही भी हो सकता है। इसके बाद आनी आवा आमा। अब इन सब सूत्र का उपयोग हम कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, जैसे पठ, ये धातु रूप हो गया, पठ में तू लगेगा तो हो जाएगा पठतु, पठ में ताम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा पठताम, पठ में अंतु लगेगा तो हो जाएगा पठंतु। इस तरह से ये सब शब्द बनेगा। जैसे गच्छ में तू लग गया तो गच्छतु, ठीक, गच्छ में त तो लग गया तो गच्छत, तो पूरा लगेगा, तो हमें हलन नहीं दीजिएगा। अब हम लोग अनुवाद बनाते हैं। अनुवाद बनाने से पहले एक बार फिर से हम लोग कर्ता के बारे में समझ लेते हैं। सह के साथ क्या लगता है? तू, सह के बाद तव के साथ ताम, सह तव ते, त्वम, युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम। यहाँ वयम के साथ क्या लगेगा? आम। आवाम के साथ क्या लगेगा? आव। आनी के साथ क्या, अहम के साथ क्या लगेगा? आनी। इस तरह से युयम के साथ त, युवाम के साथ ताम लगेगा। जैसे कि हमारा पहला अनुवाद है वह पढ़े, वह का संस्कृत क्या होता है हम लोग जानते हैं, वह का संस्कृत होता है सह, ठीक। यहाँ पर स्त्रीलिंग भी आ सकता है ना, वह पढ़े सा हो जाएगा। तो सह के साथ क्या लगता है? तू। तो पठ में यदि तू लग जाएगा तो क्या बनेगा? पठ तू। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो गया? पठ तू। वह घर जाए, वह जाए, वह का संस्कृत सह, जाए, जाए, जाए के साथ क्या होता है जी? गच्छ तू। क्या हो जाएगा? गच्छ तू, गच्छ तू। वे दोनों पढ़े, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? वे दोनों का होता है तव, तव के साथ क्या लगेगा? ताम लगेगा, तो क्या हो जाएगा? तव पठे ताम, पठ में लग जाएगा ताम और यहाँ हलंत पड़ेगा, पठे ताम। वे लोग का संस्कृत क्या होता है? वे लोग का होता है ते, वे लोग का संस्कृत क्या होता है? ते। और पढ़े, पढ़े वे लोग के साथ क्या लगेगा? ते के साथ अंतु, तो हो जाएगा पठंतु। तुम घर जाओ, तुम का संस्कृत होता है त्वम, सॉरी यहाँ तुम जाओ है केवल, तो त्वम जाओ, जाओ त्वम के साथ क्या लगेगा? यहाँ देखिए अ लगता है या ही लगता है, तो ज़्यादातर अ ही यूज किया जाता है। तो गच्छ में अ लगेगा तो क्या बन जाएगा? गच्छ, त्वम गच्छ, हलंत हट जाएगा। तुम सब जाओ, तुम सब का संस्कृत क्या होता है? यूयम। तुम सब का संस्कृत क्या होता है? यूयम। यूयम के साथ क्या लगेगा? तो क्या हो जाएगा? गच्छ त। तुम दोनों जाओ, तुम दोनों का क्या होता है? युवाम। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? युवाम। और बताइए युवाम के साथ क्या लगेगा क्रिया में? तम लगेगा, तो गच्छतम हो जाएगा कि नहीं बताइए। मैं, मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। अहम, अहम के साथ क्या लगेगा क्रिया में? जाऊं है ना, जाऊं मतलब गच्छ से शुरू होगा, तो हो जाएगा गच्छानि, अहम गच्छानि। इसके बाद है हम दोनों जाए, हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? आवाम। और आवाम के साथ क्या लगेगा क्रिया में बताइए? क्या लग जाएगा? आव, तो हो जाएगा गच्छाव। हम सब जाएं, हम सब जाएं, हम सब का होता है वयम, हम सब का क्या होता है? वयम। और आप तो अब समझ रहे हैं वयम के साथ क्या लगेगा? आम। तो गच्छ में आम लगाएंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर गच्छाम, क्या हो जाएगा? गच्छाम। मोहन संस्कृत पढ़े, तो मोहन का संस्कृत क्या होगा? मोहन। मोहन का संस्कृत क्या हो जाएगा? मोहन। और संस्कृत का क्या होगा? संस्कृतम, संस्कृतम। अब पढ़े तो कोई भी नाम रहेगा, एक आदमी है तो उसके साथ तू लगेगा, तो पठ तू, क्या हो जाएगा? पठ तू। मोहन संस्कृतम पठ तू। मैं आम खाऊं, मैं का संस्कृत जानते हैं ना अहम, आम का क्या होगा?
आम्रम अखाऊं का क्या होगा? तो मई के साथ क्या लगता है? आनी, तो क्या हो जाएगा? खा दा नी, क्या होगा? खादानी। क्या लिखा हुआ है? खादानी। तुम घर जाओ, तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम, तुम का संस्कृत त्वम। अब घर का क्या हो जाएगा? घर का गृहम होता है, तो गृहम। तुम के साथ क्या लगता है? अ, तो हो जाएगा गच्छ, गच्छ। पुत्रवती हो, तो देखिए यहाँ पुत्रवती हो यानी तुम पुत्रवती हो, तो पुत्रवती का संस्कृत पुत्रवती, सेम टू सेम वही उत्तर जाएगा। हो का होता है भव, भव, पुत्रवती भव, और लग जाएगा भव में, ठीक। चिरंजीवी भव हो, तो चिरंजीवी का संस्कृत आप चिरंजीवी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसका संस्कृत होता है दीर्घायु। आप लोग सुने होंगे क्या, आशीर्वाद, बड़े को प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, यानी तुम चिरंजीवी हो, दीर्घायु भव। इस तरह से आपने कुछ अनुवाद सीखा, बनाया। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और विभिन्न प्रकार के लकार हम लोग पढ़ चुके हैं, लट लकार, लोट लकार, लेट लकार, विधि लिंग, ये सब का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।